गंगटोक में चल रहे इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल यहाँ के सबसे बड़े फेस्टिवल में से एक है। इसका आयोजन सिक्किम सरकार द्वारा किया जाता है। इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल है तो समझ सकते हैं कि यहाँ कितने प्रकार के फूलों की वैरायटी देखने को मिलती होगी, जिसे देखने देश और विदेश के सैलानियों की भारी भीड़ उमड़ती है। और तो और यहाँ फूलों के अलावा पेड़ पौधों के बारे में भी जानने का मौका मिलता है। वैसे सिक्किम को फूलों का प्रदेश भी कहा जाता है। इंटरनेशनल फ्लावर एंड गार्डन फेस्टिवल गंगटोक में चलने वाला सबसे बड़ा फेस्टिवल है। इसका आयोजन यहाँ व्हाइट हॉल में किया जाता है। 1 मई से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जिसका समापन 31 मई को होगा। मई का महीना बेस्ट होता है यहाँ घूमने फिरने के लिए। चारों तरफ फूलों की चादर बिछी होती है और फिजाओं में उसकी खुशबू। गंगटोक खास तौर से प्राकृतिक खूबसूरती, हरे भरे पहाड़ों और दूर दूर तक फैले घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। एडवेंचर को ट्राई और एंजॉय करने के लिए भी मई का महीना बेस्ट होता है। सिक्किम में चल रहा इंटरनेशनल फ्लावर फेस्टिवल छुट्टियां एंजॉय करने और नई नई चीजें देखने के लिए भी बेहतरीन जगह है। इस फेस्टिवल में 600 तरह के ऑर्किड, 240 तरीके के पेड़ और फर्न, 150 प्रकार के ग्लाडियोली, 46 प्रकार के रोंडेड ड्रोन्स देखने को मिलेंगे। फ्लावर शो देखने के साथ ही यहां आकर आप सिक्किम और भी दूसरी जगहों के जायके का मजा ले सकते हैं, जो सैलानियों को बहुत आकर्षित करता है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं, तो सिक्किम में बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट बागडोगरा है, जहाँ से गंगटोक की दूरी 124 किलोमीटर है। एयरपोर्ट से मुख्य शहर तक पहुँचने के लिए हेलीकॉप्टर अवेलेबल है, जो आपको 20 मिनट में पहुँचा देगा। गंगटोक तक पहुँचने के लिए न्यू जलपाईगुड़ी नज़दीकी रेलवे स्टेशन है, जो कि लगभग 148 किलोमीटर दूर है। धन्यवाद।